देखो हर बहनों के बीच में लड़ाई होती है, किसी में हाथापाई होती है, किसी में मुंहमारी तक होती है. तो मैं तो अपनी बहनों से माशाल्लाह कभी मैंने वो कहते ना गुरूर नहीं क्या, हाथापाई वाली, बाल खींचने वाली, नाखून नोचने वाली लड़ाई हुई है लिटरली मेरी तीन बहनें, हम मुझे मिला के तीन बहनें. तुम दोनों में क्या हो, कहाँ तक पहुंची है बात? हमने शायद एक दूसरे का कत्ल नहीं किया है, बाकी हमने सब किया. हाँ, बहुत मारा एक दूसरे को. पहले तुम छोड़ो, नहीं पहले तुम छोड़ो. हमने तो मैंने ना एक दफा मनाल के इतनी जोर से यहाँ पे नोचा था कि इसके मेरे लिटरली चार नाखून छप गए थे और वो कोई दो साल तक रहे थे इसके फेस पे, बदला नहीं लिया. मैं क्यों ये स्टॉप? फिर तुम्हारे साथ अम्मी ने क्या किया? कुछ भी नहीं. मम्मा ने एक वक्त ऐसा आ गया था कि मम्मा कहती थी तुम लोग अगर बच जाओ ना तो मुझे एक आवाज लगा देना कि जी मम्मा मैं मर जाओ तो मुझे मत आवाज लगाना. क्योंकि मम्मा के बीच में बोलती तो हम मम्मा से लड़ना शुरू कर देते ना, तो हमारी दोस्ती हो जाती है, मम्मा से लड़ाई हो जाती है, इस तरह होता है ना. तुम लोगों के साथ भी ये चक्कर है. इसने मुझे एक दफा कंट्रोल है मारा और मेरा यहाँ पे डिम्पल आ चुका है. एक दफा जो ये वॉशरूम पे तो मेरे तुम्हारा जोर से उसका डिम्पल यहाँ पे मेरे भी हिसाब बराबर बराबर पिटे हो मतलब तुम लोग. वो ये सबसे अच्छा था कि तुम पहले बाल छोड़ो नहीं तो आप छोड़ो. और हम बोलते भी आप है तो आप छोड़ो आप बाल छोड़ो. ओ माय गॉड, ये तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई है ना. और तुम दोनों नहीं, हमारी ऐसी कोई लड़ाई हाथापाई नहीं हुई. मेरी बहुत लड़ाई हो रही है, ये चुप हो जाती है या मैं चुप हो जाती हूँ, बस लड़ाई हुई बस खत्म हो गई. वो भी हम कंटिन्यू नहीं करते कि यार तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, बस खत्म. बाद हम वैसे के वैसे आजकल तुम लोग क्यों लड़ाई हो रही है? छोड़ने के बाद से ही हो जाता है. हमारी तो लड़ाई होती है, 10 मिनट की लड़ाई होती है. बाल का तो अच्छा, ये बाल कितने गिरे हैं तुम लोगों के खींचने की वजह से? हाथों में आए हैं. मैंने एक बार इसके बालों में गम च्युइंगम चिपका दी. ओह माय गॉड. लेकिन वो लड़ाई नहीं, वो रैंडमली ऐसे मजाक से. और अम्मी जब उसकी वो नहीं निकली तो मैंने कहा तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे. पुरानी मूवीज में नहीं, वो छोटी सी नीचे बैठी हुई नहीं दिखा सकूं कि मेरे भी लगी है. आइडिया अच्छा है. ज्यादा मार और ज्यादा डांट पिटवाने के लिए अपनी बहन के लिए आप खुद अपने नाखून से गड़ दें, तकलीफ भी कम होगी. ज्यादा लड़ाई तब बढ़ती है जब सामने वाला जवाब नहीं दे रहा होता, इग्नोर कर रहा होता है. आप बोले जा रहे हैं, वो बैठी हुई चुपचाप अपना फोन यूज करे, उस वक्त ज्यादा गुस्सा आता है कि कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो. इस मुल्क में इतने हराम खोर हैं कि तुम 6000 साल तक गिनोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, मगर हराम खोर खत्म नहीं होंगे जो हमारे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट रहे हैं. इस दुनिया में जमीन और आसमान पर जितने मखलूक हैं उससे ज्यादा समंदर और पानी में है, चाहे वो नाले नाली या गटर में हो, कीड़ों की सूरत में या परिंदों की सूरत में. ऐसे ही एक कीड़े ने ऊपर वाले से फरियाद की कि कब तक वो कीड़ा बनकर गटर में जिंदगी गुजारेगा, उसे इंसान बना दे ऊपर वाले. ऊपर वाले ने सुनी और वो इंसान बन गया.